जय हिंद दोस्तों, रेलवे टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरीबाम इम्फाल रेलवे लिंक परियोजना के बारे में। ये परियोजना असम के जीरीबाम से मणिपुर के इम्फाल को जोड़ेगी। इस परियोजना की खास बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पहाड़ियों के बीच से बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंडर में आपका नॉनी ब्रिज आ जाता है, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट पिलर ब्रिज है, जिसकी पिलर की लंबाई 139 मीटर है। इसी तरह से इस प्रोजेक्ट को बनाने में कई सारे टनल्स का काम किया जा रहा है। कई सारे बीच में टनल्स बनेंगे जो कि पहाड़ों के नीचे से होकर गुजरेंगे। और असम में जो पहाड़ हैं ये असम हिमालय के भाग हैं, और यहाँ जो पहाड़ है ये नव निर्मित पहाड़ है, यानी कि अभी ये यंग माउंटेन्स हैं। और यहाँ के पहाड़ मेन रूप से मिट्टी के बने हुए हैं, ज़्यादातर पत्थर भी है लेकिन ज़्यादातर मिट्टी के बने हुए हैं। इसलिए काफ़ी जब तेज़ बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ मिट्टी भी कट के आती है, जिससे लैंडस्लाइड इधर ज़्यादा होता है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत एक टनल का काम किया जा रहा है मणिपुर में, और आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये टनल का काम कैसे किया जा रहा है। ये टनल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हिमालयन पद्धति से बनाया जा रहा है, जो कि नई टेक्नोलॉजी है। इससे पहले स्विट्जरलैंड की एक नामी टेक्निक थी, उससे बाकी सारे टनल्स बनाए जा रहे थे, लेकिन अभी उसी को इंडियन इंजीनियर्स ने मॉडिफाई करके और इसको हिमालयन टेक्नोलॉजी के नाम से इसको बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे टनल्स का काम किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टनल्स के बाहर यानी टनल्स अपोजिट साइड से बन रहा है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, और इस साइड में ये ग्रिल का काम किया जा चुका है, रड सरिया और यह लगा दिया जा चुका है। अब टनल बनने की इंतज़ार है। जैसे यहाँ पे टनल का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद से टनल को इनॉग्रेट करके टनल कंप्लीट करके फिर रेल लाइन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि टनल कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि अंदर से मशीन खुदाई कर रही है, और ये जो आप भाग देख रहे हैं ये जो अभी मिट्टी का टूटा हुआ टुकड़ा गिरा, यहीं पे टनल का खुदाई होने वाला है। अभी आप ये जो होल देख रहे हैं इसको थोड़ा हमने जूम किया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके, वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो देख रहे हैं कि अंदर से ये जो मशीन खुदाई कर रही है, और ये काफ़ी हेवी मशीन होती है, और ये उधर से खुदाई करते हुए यहाँ तक आई है। अब यहाँ टनल का काम कम्प्लीट ही होने वाला है। तो इस तरीके से टनल बनाया जा रहा है, ये मशीन खुदाई कर रही है और कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बगल में इंजीनियर सब खड़े हैं, इंजीनियर सब देख रहा है कि टनल का काम ठीक से हो रहा है कि ना, और इसमें कोई दिक्कत आने से उसको सॉल्व किया जाएगा। तो अभी आप देख रहे थे टनल के फ्रंट साइड का जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, अभी हम आपको टनल के अंदर ले चलते हैं जो कि खुदाई किया जा चुका है। तो ये आपके टनल के अंदर का सीन है, यहाँ पे इंजीनियर सब लगे हुए हैं और इसको अंदर से सपोर्ट दिया गया टनल को, क्योंकि अभी काम चल रहा है इसमें, तो इंजीनियर साहब लगे हुए हैं और अंदर अभी खुदाई चल रहा है, और बाकी इधर से फिनिशिंग का काम भी काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। तो इस तरह से जैसे काम चल रहा है, हमको लग रहा है कि 2023 दिसंबर तक ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा जीरीबाम इम्फाल प्रोजेक्ट का, और उम्मीद है कि इधर 2023 में ही शायद इसका ट्रायल रन का भी काम किया जा सके, और 2023 में ही आपका अंजीखट ब्रिज का भी ट्रायल होने वाला है। तो 2023 इंडियन रेलवे के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे इंजीनियर सब क्या क्या देख रहे हैं। The weight will come down. So the weight has increased on it because for safety, it should be stable. Okay.
Then we can know that it is safe for them. So one is pressure, sir, and it's a lot, sir, and refractory, you know.